वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस लेके आ गया हूँ फिर आपके वही जो एक्सपल्स, जो अभी इससे पहले वीडियो देखी आपने खोला होगा, जो खोला था मैंने। अब हम एक्सपल्स को जो जा रहे हैं हम उसको फोर वॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो फोर वॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए कि जब अभी आप देखा होगा नई वाली जो BS6 आई उसमें फोर वॉल आई है, जो एडवेंचर वाली जो आई है। तो अब जो उसका सारा सामान है इसमें लगाएंगे और क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेंगी, सारा सामान मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑलमोस्ट करीब 15 से 20 दिन लग गया। तो अब जो सारा सामान है अपना आ चुका है और इसको जा रहा हूँ फिट कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं लेनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ आपके वही काम आ जाएगी। तो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए ले चलता हूँ बाइक पर और काम चल रहा है ऑलरेडी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें नहीं डालनी। तो दोस्तों देख सकते हैं बाइक हमारी ऑलमोस्ट अब, जो क्लच वगैरह हमारा जेपी उस्ताद एक बार ज़रा हेलो करो। तो ये जेपी उस्ताद हमारा है और इसको हमने आज स्पेशली बुलाया है एक्सपल्स का जो है इंजन करने के लिए। तो ये छोटी बाइक वगैरह का सारा काम करते हैं, बुलेट वगैरह का आपने देखा होगा, जो हमारी जो दिल्ली वाली शॉप है तो वहाँ पर काम करता भाई है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ सारा सामान हमारा जो है जेपी भाई क्लच वगैरह लगा रहे हैं, क्लच पर डाल दिया। तो जी उस्ताद जी, ये जो हमारा क्लच है ये यही वाला लग गया है कि? हाँ जी यही लग गया, यही सब कुछ सेम है ना? हाँ जी। कल ही देखिए हाफ सेंटर वगैरह यही डाला है और क्लच कटोरा जो होता है सब यही लग जाएगा आपका, जो फोर वॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लच का चीज़ें नहीं चेंज करनी पड़ेगा, क्लच सेम है। अब आप बात करते हैं, देखिए इसके जो है ये टॉप कवर वगैरह सारे हमने नए मंगाए हैं, देख लेते हैं। देखिए हेड के स्प्रिंग हो गई, वॉल हो गए, कैम हो गया, ये वार्सले हो गए, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है, देख सकते देखिए सारी स्प्रिंग्स वगैरह, वॉल, ये टाइमिंग चैन हो गई नए वाले की। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये हेड टॉप का कवर हो गया, ये पैकिंग किट हो गए सारे, इसके सारे हीरो का पार्ट्स डालते हैं आरी का। अब बात करते हैं, देखिए ये अपना हो गया, एक हमने एक्सेट्रा वायर ख़राब है, एक्सेट्रा वायर डाल देंगे। इसकी क्लच प्लेट हो गई आपकी, यहाँ पर ये प्रेशर प्लेट की डब्बा हो गया, ये है आपका सिलेंडर किट, ये देख सकते देखिए इसमें सिलेंडर किट है, जो चार वॉल वाली आती है उसका सिलेंडर किट हो गया। ये आपका हेड हो गया नया, हेड भी नया डलेगा, तो क्योंकि उसमें चार वॉल का सिस्टम ही होता, तो इसमें ये देख सकते हेड पूरा नया हो गया। तो सारा चीज़ आ चुका है, इसको लगाता हूँ और देखते हैं फटाफट फिट करते हैं, फिर आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो चलिए फिट करते हैं, देखते हैं। तो गाइस हमारा जो क्लच कवर वगैरह है सब कुछ लगा दिया हमारे जेपी उस्ताद ने, और मैग्नेट साइड भी लगा दिया उस्ताद जी हैं, मैग्नेट कवर भी लगा दिया है, टाइमिंग चेन डाल दी है, और अब इसका सिलेंडर वगैरह उस्ताद जी लगाएगा। और क्या लगता है उस्ताद जी, तैयार हो जाएगी सामान भी ऊपर सारा कुछ सामान तैयार, हमारी एक्सपर्ट तैयार हो जाएगी, अगर इसको चला के भी देखेंगे। फोर वॉल करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है टू वॉल और फोर वॉल में। तो गाइस देख सकते हैं सिलेंडर किट वगैरह लग चुकी है अपनी, और सिलेंडर किट वगैरह वही स्टॉक लगे, वही वाली जो आती है फोर वॉल वाली एग्जैक्ट लग जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। और देखा जाए तो पिस्टन और वो सेम है, बस पिस्टन के जो कट्स हैं वो चार बने हुए हैं, देख सकते हैं इससे देखिए दो चार वॉल की तरह निशान बने हुए हैं। तो पिस्टन सिलेंडर जो बोल वगैरह है वो एक्यूरेट है बिल्कुल, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, एग्जैक्टली आ जाएगा। अब इसका हेड लगाता हूँ और वो भी देखते हैं भाई। हमारा जो हेड है बिल्कुल देख सकते हैं तैयार हो चुका है, फोर वॉल वाला देख सकते हैं, एक दो और दो इधर, चार वॉल वाले हेड नया अपना डल चुका है, ये कवर अपना नया हो गया है, और इसका एडजस्टर वगैरह भी लगा रहा है, इसको टाइट कर लेता हूँ और हेड जब बाइक में लगाता हूँ और दिखाता हूँ आपको, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस वाइज फर्क पड़ता है इसको चार वॉल करने से। हेड वगैरह अपना लग चुका है और देख सकते हैं, देखो अब इसका जो नटबोल्ट वगैरह टाइट करता हूँ और सारी चैन वगैरह फंसा लेते हैं, टाइमिंग चैन वगैरह, फिर आपको सीधा एक बार दिखाता हूँ। चलिए पहले फटाफट इसको फंसा लेते हैं और मिलता हूँ। तो दोस्तों बाइक हमारी जो एक्सपल्स 200 है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, और हमने जो है इसको
टू वॉल से फोर वॉल में कन्वर्ट कर दिया है। एग्जॉस्ट वगैरह जो है वही लगा दिया है। ये देखिए इसमें जो है जो रेडिएटर की पाइप जाती है वो भी लगा दी है। सब कुछ ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो चुकी है। बाइक को मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि कितनी प्यारी आवाज़ हुई है इसकी। ये देखो मेरे को बिल्कुल बाइक स्टार्ट परफेक्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, परफेक्ट चल रही है। चला के भी देख लिया, बिल्कुल चलाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्मूथ है। बाकी अभी बाइक को वॉश वगैरह करते हैं और देते हैं, बाइक को हैंड ओवर करते हैं बाइक को।